हाँ कारगर कहाँ पर? लद्दाख। मैं अभी घर गया है। कभी? लास्ट मंथ। अभी तो अभी पहले कैसा बारिश वगैरह था काफी? स्नोफॉल मिला हम लोगों को। हाँ वही तो इसलिए मैं अभी अवॉइड किया हमने उस समय। इस समय जाते हैं थोड़ा सा अभी सेटल डाउन हो गया होगा। अगर किसी का ध्यान नहीं है स्पेशली ऑन टू व्हीलर भाई साहब वो तो हवा में उड़ जाना है। तो वैसे कुछ अभी यहाँ देखने को मिल रहा है। एवरी कॉर्नर वी हैव सम काइंड ऑफ रमलर्स और स्पीड ब्रेकर्स विच इज़ क्वाइट अनॉइंग। 90 पे ये बाइक बहुत ही मस्त चलती है। 90-95 जहाँ ये 100 टच होती है 100-110 के बीच में जो भाई साहब इसमें वाइब्रेशन आते हैं मतलब ये हिला ये ढील गया ये पूरा ढील गया ढील नहीं गया ये ढीला हो गया है। क्या बोल रहा हूँ ये देखा आपने ये वाइब्रेशन का नतीजा है। जब वाइब्रेशन अच्छे खासे हुए थे ना देखो ये बेशर्म इसको कब से मैं टाइट कर रहा हूँ बट बहुत बेशर्मी की हद हो गई है इसकी। अब इसको कहीं जाके तरीके से इसको टाइट करना पड़ेगा। अरे ऐसे रास्तों में अगर हिमालयन नहीं चलेगी तो फिर कैसे चलेगा काम। ओके गाइस तो पूरा कवर अप हो चुके हैं। मैं गोप्रो भी हटा के रख देता हूँ बिकॉज कोई रिस्क लेना नहीं चाहता। हे गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। आज 29th ऑफ जून 2024 मैं निकल रहा हूँ निकल चुका हूँ टुवर्ड्स स्पिति। मैं अभी नासिक से थोड़ी दूर एक रेस्टोरेंट के पास में रुका हुआ था जस्ट टू हैव ब्रेकफास्ट बिकॉज मॉर्निंग में मैं जब आज घर से निकला तो मैं व्लॉग स्टार्ट नहीं कर पाया था बिकॉज ऑफ द हैवी रेन। बिल्कुल भी मौका नहीं मिला बिकॉज लगेज सिस्टम मेरे लिए नया है उसको लगेज को माउंट करना और रेन गियर पूरा पहन के निकलना और ऑब्वियसली मैं गोप्रो को एक्सपोज नहीं करना चाहता था बारिश में तो इसकी वजह से मैंने व्लॉग घर से स्टार्ट नहीं किया। तो व्लॉग मेरा नासिक से स्टार्ट हो रहा है। वी जस्ट हैड अवर ब्रेकफास्ट वी हैड मिसल पाव मिस्टर मंगेश जो मेरे राइडिंग पार्टनर हैं उनकी बाइक है स्पीड 400 और मेरी हिमालयन 450। तो चलिए अब राइड शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब बिकॉज आने वाले कुछ दिनों में आपको काफ़ी मज़ेदार कंटेंट मिलेगा। मज़े करेंगे आप भी मैं भी। जर्नी में काफ़ी वेरिएशन मिल रहा है कभी बारिश हो रही है कभी धूप निकल रही है तो जैसी भी सिचुएशन होती है देखते हैं। मिलता हूँ आप मैं आपको सीधे गोप्रो मोड में। तैयारी हो गई है ग्लव्स पहन रहा हूँ। अभी मैंने एक्चुअली राइनॉक्स से ग्लव्स अभी तक निकाले नहीं है थोड़ा सा और आगे जाके निकालता हूँ कि थोड़े से गीले हो गए थे तो इनको थोड़ा सुखा लिया जाए और फिर एज यूजुअल चाबी भूल गया। चाबी कहाँ रख दी यार मैंने। ओके गाइस तो वेलकम बैक टू द गोप्रो मोड। हम लोग रेस्टोरेंट से निकल चुके हैं। एक गलती कर दी है मैंने आई शुड हैव वॉश और एटलीस्ट इसको क्लियर कर लेना चाहिए था विंड स्क्रीन को थोड़ा साफ कर लेना चाहिए था। अभी फर्स्ट डे है टाइम लगेगा धीरे धीरे सब चीज़ें सेटल डाउन हो जाएंगी। अभी क्या है बहुत दिनों बाद एक लंबी राइड में निकला हूँ तो अभी थोड़ा सा लगेज को ही मैनेज करने में दिक्कत जा रही है। अरे रुक के कहीं यार विंडस्क्रीन साफ करनी पड़ेगी इट्स नॉट लुकिंग गुड। तो चलिए आगे चलते हैं आगे जाके थोड़ा सा फ्यूल टॉपअप करा लेते हैं तब मैं आपको दोबारा कनेक्ट करता हूँ। टायर प्रेशर काफ़ी हाई बता रहा है पीछे वाला तो ज़रा इसको अभी सेटल करवा लेते हैं बिकॉज कल मैंने टायर प्रेशर भराया था 32। ऑब्वियसली गाड़ी कंटिन्यूस चल रही है तो हवा थोड़ा सा उसको न्यूट्रल करवा लेते हैं। दिस इज़ वन गुड थिंग अबाउट दिस डिवाइस एटलीस्ट आप टायर प्रेशर मॉनिटर कर सकते हैं टेम्परेचर भी मॉनिटर कर सकते हैं। तो
आई लाइक दिट। हाउएवर तो अभी ज़रा पेट्रोल भरवा लेते हैं, टॉप अप करा लेते हैं और जर्नी कंटिन्यू करते हैं। अभी तक मैं ऑलमोस्ट 250-240 किलोमीटर आसपास चला चुका हूँ, बिकॉज फ्यूल भरने के बाद थोड़ा बहुत लोकल भी बाइक चली थी। फुल टैंक कर देना। दिस इज द ओनली रीजन आई डोंट लाइक टैंक बैग। बहुत सालों से मैंने यूज करना बंद कर दिया था, बट दिस टाइम बिकॉज टैंक बैग का फायदा ये भी है कि सारे मेरे कैमरा, यू नो, बैटरी, इम्पोर्टेंट जो लग सामान है वो मेरे इमीडिएटली एक्सेस मिल जाता है टैंक बैग से, इसलिए मैं टैंक बैग इस जर्नी में मैंने यूज कर रहा हूँ। फुल टैंक कर दीजिए। हाँ जी, खाली फोन आप 2 मिनट रखे, कॉल चालू है? नहीं, कॉल नहीं है। जीरो? नहीं, कॉल नहीं है। जीरो? हाँ हाँ, मेरे को लगा कॉल है। नहीं नहीं, मोबाइल नहीं है, मोबाइल ऑफ ही है। ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं इसके लिए। ऑटो कट पे बंद कर दीजिएगा। तो टोटल जो लीटर फ्यूल डाला है वो है 10.79 लीटर और इस समय हो रहा है 3290 किलोमीटर। जरा ये भी टायर प्रेशर, पीछे का भी टायर प्रेशर ज़रा चेक कर लेते हैं, बिकॉज़ ये बार बार अलर्ट दे रहा था इसमें कि ये टायर प्रेशर ज़्यादा दिखा रहा है। हाँ जी, हाँ, कारगर लद्दाख मैं अभी करके आया। कभी? लास्ट मंथ। अभी तो अभी, पहले कैसा बारिश वगैरह था? काफ़ी स्नोफॉल मिला हम लोगों को। हाँ वही, तो इसलिए मैं अभी अवॉइड किया हमने उस समय। मैंने कहा इस समय जाते हैं थोड़ा सा अभी सेटल डाउन हो गया होगा। और रश बहुत देखता वो, अभी उस समय सीजन था ना। हाँ। छुट्टियां थी इसलिए हमने कहा छुट्टियां वटे खत्म हो जाए फिर निकलते हैं। स्पीति करते हुए हम लोग लद्दाख जाएंगे, ले जाएंगे, स्पीति करेंगे पहले शिमला से स्पीति, फिर ले निकलेंगे और फिर श्रीनगर होते हुए वापस। महीने भर। ओके, थैंक्स मैन, थैंक्स। लुक एट दिस ब्यूटीफुल क्लिफ्स, माउंटेन, क्लिफ नहीं है भाई ये माउंटेन है। और धूले यहाँ से 91 किलोमीटर दूर है और इंदौर जो हमारी आज की डेस्टिनेशन है वो है 354 किलोमीटर, 350 किलोमीटर हमें मेरे ख्याल से 5-6 घंटे लगेंगे या उससे ज़्यादा भी लग सकते हैं, बिकॉज अभी लंच ब्रेक होना बाकी है और 1.5 घंटा कहाँ निकल जाता है पता ही नहीं चलता। अभी भी आप देखिए ब्रेकफास्ट के लिए हम लोग रुके थे 1 घंटे का, सोचा था इधर से ज़्यादा, बट ऑलमोस्ट 1.5-2 घंटे हो गए। रीज़न था कि पूरा जो रेन वेयर है वो उतारना था, वापस रखना था, थोड़ा सा टाइम जाता है। और जैसा कि मैंने आपको बोला फर्स्ट डे आपको थोड़ा सा एक्सेस टाइम लग जाता है जस्ट टू अंडरस्टैंड एंड गेट यूज टू द लगेज सिस्टम व्हाट यू आर राइडिंग विथ। और मेरे लिए तो ये लगेज सिस्टम बिल्कुल नया है, नया पैटर्न है, नया लगेज सिस्टम है, तो थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, बिकॉज इसमें मैंने कोई भी जगह नहीं छोड़ी है कि मैं इसको खोलूं। जो भी लगेज मेरे को रखना है या निकालना है वो या तो डफल बैग या टॉप बॉक्स में करता हूँ, बट उसमें भी थोड़ा सा लिमिटेशन हो जाती है, बिकॉज ऑन द गो व्हेन योर ऑल योर लगेज इज माउंटेड, लगेज एक्सेस करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, तो उसके वजह से हमारा थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लग गया। हाउएवर वी विल ट्राई टू कवर इट अप। अभी वेदर काफ़ी अच्छा है एंड जस्ट लुक एट दिस व्यू, वाओ, वेदर काफ़ी अच्छा है, बारिश नहीं हो रही है सबसे अच्छी बात है और धूप भी नहीं है, तो टोटली एज वॉट वी नीडेड दिस काइंड ऑफ वेदर, जो जैसा वेदर चाहिए होता है बिल्कुल वैसा है, तो नथिंग टू कंप्लेन अबाउट। आई एम लविंग द रूट
आई एम लविंग दिस हाईवे, काफ़ी सीनिक है। हालांकि इससे बड़े बड़े 10 गुना पहाड़ों के बीच अभी जा रहे हैं हम लोग, बट छोटे मोटे पहाड़ भी देख के अभी अच्छा लग रहा है। एक छोटा सा घाट सेक्शन स्टार्ट हुआ है यहाँ, तो ठीक है। इंदौर के पहले मैंने काफ़ी सालों पहले एक राइड करी थी, सिटी आने से पहले जो घाट सेक्शन पे वहाँ पे जो रमलर्स हैं, रमलर्स नहीं है वो, दे आर द प्रॉपर स्पीड ब्रेकर इन द फॉर्म ऑफ रमलर। बाप रे, मतलब मेरे को ध्यान है मैं थंडरबर्ड पे था जो फर्स्ट टाइम जब वो आया था ना, मतलब उससे ज़्यादा आदमी क्या ही अलर्ट हो सकता है यार, अगर किसी का ध्यान नहीं है, स्पेशली ऑन टू व्हीलर, भाई साहब वो तो हवा में उड़ जाना है। तो वैसे कुछ अभी यहाँ देखने को मिल रहा है, एवरी कॉर्नर वी हैव सम काइंड ऑफ रमलर्स और स्पीड ब्रेकर्स, विच इज़ क्वाइट अनॉइंग। धूले अनदर 10 किलोमीटर्स और रह गया है, एंड लुक एट दैट फोर्ट, या कोई फोर्ट है शायद उधर, आई डोंट नो आप लोगों को दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, बट देयर इज सम फोर्ट ओवर देयर। और आगे स्पीड ब्रेकर है, रमलर्स हैं जो यहाँ पे आपको बड़ी तादाद में मिलेंगे। बड़ा ही कष्ट है यार, कुछ चांस ही नहीं है कि आपको कोई नींद की झपकी आए या ना आए। आई थिंक वो फोर्ट जाने का रास्ता यहाँ से है, तो आगे कहीं छांव देख के पानी का ब्रेक लेते हैं, पानी पीते हैं और फिर आगे अपनी जर्नी जो है कंटिन्यू करते हैं। तो एक चीज़ और आप लोगों के साथ शेयर करनी थी, 90 पे ये बाइक बहुत ही मस्त चलती है, 90-95, जहाँ ये 100 टच होती है, 100-110 के बीच में जो भाई साहब इसमें वाइब्रेशन आते हैं, मतलब ये हिला, ये ढील गया, ये पूरा ढील गया, ढील नहीं गया, ये ढीला हो गया है, क्या बोल रहा हूँ। एनीवे, तो ये काफ़ी ढीला हो गया है, इसको कहीं पे रुक के टाइट करना पड़ेगा, दोनों को स्क्रू को थोड़ा सा क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमा के इसको थोड़ा सा टाइट करना पड़ेगा, बिकॉज ये वाइब्रेशन की वजह से लूज़ हो रहा है। तो टोल नाके के बाद थोड़ी देर रुकते हैं, कहीं पर पानी वानी पीते हैं, सुसु ब्रेक मारते हैं और फिर आगे की जर्नी कंटिन्यू करेंगे। ओके गाइस, तो पूरा कवर अप हो चुके हैं, आई थिंक मैं गोप्रो भी हटा कर रख देता हूँ, बिकॉज कोई कोई रिस्क लेना नहीं चाहता। हाँ जी, अभी हम लोग शिरपुर, आई थिंक धूले के बाद आता है, वहाँ से जस्ट अभी इस लोकेशन पे पहुँचे हैं, होटल प्रगति, यही एक होटल हमको दिखा जो यहाँ पे हम खाना वाना खा सकते हैं। थोड़ी देर पहले आपने देखा होगा कि शिरपुर में काफ़ी तेज़ बारिश हो गई थी और हम लोगों को रेनवेयर पहनना पड़ा था, रेन गियर, और उसके बाद फिर एकदम से धूप निकल आई, फिर रेन गियर उतारना भी ज़रूरी हो गया था बिकॉज इट वॉज़ टोटली अनकम्फर्टेबल। तो सोचा कि साथ ही साथ लंच भी कर लेते हैं और थोड़ा सा रिफ़्रेश हो जाएंगे। तो ये है बाइक्स यहाँ पर खड़ी हुई, काफ़ी गंदी हो चुकी है मेरी बाइक, और ये है मिस्टर मंगेश की बाइक, दोनों एक ही रास्ते से आए, बट ये सारी ज़रा से भी गंदी नहीं है। हालांकि ये पुणे से आए हैं तो वहाँ पे शायद बारिश नहीं हुई थी, और मुंबई से आते वक्त काफ़ी ज़्यादा बारिश हुई थी, तो वो मेरे को काफ़ी कीचड़ मिला है। तो चलिए चलते हैं अंदर, मिस्टर मंगेश ने आई थिंक ऑलरेडी ऑर्डर कर दिया है, खाना आ चुका है, तो चलिए चल के खाना खाते हैं। वेज क्या है, वेज हांडी, मिक्स वेज हांडी है ये। हे गाइस, तो लंच हमारा हो चुका है और टाइम हो रहा है 3:50, टेम्परेचर है 34 डिग्री, बट प्लेजेंट है, इतनी ज़्यादा ऐसी कुछ गर्मी नहीं लग रही है, काफ़ी ओवरकास्ट है, आई विश एंड आई होप कि बारिश ना हो बस। तो सीन अभी ये है और प्लान ये है कि मंगेश सर को फ्यूल टॉपअप कराना है, उनका रेंज कम बता रहा है, मेरा रेंज 296 है और एक्चुअल डिस्टेंस जो इंदौर का है वो रह गया है आई थिंक 190, तो आई डोंट हैव टू वरी। तो हाउएवर, मैं भी
टॉप अप तो करवा ही लूँगा सो दैट कल सुबह के लिए ज़्यादा कुछ टेंशन ना रहे। तो यहाँ से चलते हैं, एक घंटे के बाद थोड़ा सा एक फ्यूल टॉप अप स्टॉपेज लेंगे और चाय ब्रेक भी ले लेंगे। सो फार बाइक इज़ परफॉर्मिंग गुड, मज़ा आ रहा है। हाईवे पे बहुत अच्छा स्टेबिलिटी है इस बाइक का, नो डाउट। आई मीन हाई स्पीड पे ब्रेक्स भी बहुत अच्छे हैं। ओनली इशू विच आई सी इज़ द वाइब्रेशन। 90 तक बहुत स्मूथली बाइक चलती है, बट एज सून एज यू नो क्रॉस, कहाँ से जाना है यहाँ से जस्ट लाइक जो मुंबई बड़ौदा में जो रहता है ना वैसा ही है। तो हाँ, मैं क्या कह रहा था, वाइब्रेशन का इशू ये है कि 90 तक तो बहुत ही मज़ेदार चलती है, 90-95 तक, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, बट द फन लूजेस आउट एज सून एज इट रीचेस अराउंड 100-110 तक। इसमें काफ़ी ज़्यादा आपको वाइब्रेशन मिलेगा और अनकंफर्टेबल है वो, मतलब ये आपका माइंड वहाँ पे ऑक्यूपाइड हो जाएगा, यू विल बी लाइक आपका दिमाग वहाँ पे लगा रहेगा कि यार ये वाइब्रेशन इतना ज़्यादा क्यों आ रहा है। तो एक ही चीज़ मेरे को अभी तक लगी, सस्पेंशन तो क्या ही कहना है इस बाइक के, चुम्मा सस्पेंशन है। अभी तो और भी काफ़ी लंबी जर्नी बाकी है, मैं इसका एक आपको एक्चुअल रिव्यू स्पीति या लद्दाख रीजन में आते ही या जाने के बाद दूंगा। तब तक मैं इसको अच्छा खासा एक हाईवे पे चला चुका हूँगा, तो मेरे को थोड़ा सा एक देन आई विल बी केपेबल ऑफ टेलिंग यू नो हाउ द बाइक परफॉर्म्स। इन इस बाइक का जो टूरिंग रिव्यू है वो मैं आपको लद्दाख या स्पीति में ही बताऊँगा, क्योंकि तब तक मैं इस बाइक को उतने किलोमीटर चला चुका हूँगा, देन आई विल बी इन बेटर पोजिशन टू यू नो शेयर माई ओपिनियन हाउ दिस बाइक परफॉर्म इन लॉन्ग डिस्टेंस टूरिंग। तो ये बड़ा पंख है, वेदर अच्छा हो रहा है, मतलब बारिश ना हो बस, दैट्स द ओनली कंसर्न, क्योंकि वो जो एक्सरसाइज या ड्रिल जो होती है ना रेन गियर पहनने की, बड़ी ही तकलीफदायक है। तो अभी तक तो बचे हुए हैं, बीच में एक बार एक्सरसाइज हो गई थी अच्छी खासी, बड़ा परेशान किया था, बट देन दैट्स हाउ इट इज़। आप जून में महाराष्ट्र से बाहर निकलेंगे या महाराष्ट्र क्रॉस करेंगे तो ये चैलेंजेस तो आएंगे ही आएंगे, एंड आई वाज प्रिपेयर्ड, वेरी मच प्रिपेयर्ड। और आप लोगों को अगर कुछ पूछना हो इस बाइक के बारे में तो डेफिनेटली कमेंट करें। तो आने वाले दिनों में मेरी काफ़ी लंबी राइड्स हैं, तो मैं आपको अच्छा एक अपना यू नो ओवरव्यू दे सकता हूँ, मेरा जो पर्सपेक्टिव है बदलेगा नहीं बदलेगा जो भी है वो मैं अपना ओपिनियन आपके साथ डेफिनेटली शेयर करूंगा इस बाइक को लेकर। तो चलिए जर्नी कंटिन्यू रखते हैं और फिर मिलते हैं चाय ब्रेक पे। आप लोगों ने भी अभी तक चाय नहीं पी है तो चाय पी लीजिए। तो जो आप लोगों ने टोल देखा था पीछे, वो जब क्रॉस किया है तो वो यूजली होता है जब स्टेट बदलता है, और अभी हम लोग महाराष्ट्र से आई थिंक MP में एंटर कर गए हैं। जहाँ भी एंटर कर गए हो जगह खूबसूरत है। आई होप हम लोगों को इस साइड जाना हो, क्योंकि इस साइड तो काफ़ी ज़्यादा बादल हैं, इस साइड खुला आसमान है। यार ये बहुत गजब की चीज़ है, जब बाइक लिया था तो वो नेविगेशन, इनबिल्ट नेविगेशन देखकर काफ़ी बौखला गए थे हम लोग, बट जिस तरीके से वो बैटरी ड्रेन आउट करता है वो तो हमने यूज़ करना बंद ही कर दिया है। अब फिर भी ट्रैवल तो करना ही है, नेविगेशन की ज़रूरत पड़ती है, गाने भी सुनते हैं, फ़ोन्स भी आते हैं, दिस डिवाइस इज़ ए बून भाई। कई बार क्या होता है ना, अनवांटेड कॉल्स आप नहीं उठाना चाहते हो, कई बार कस्टमर केयर के कॉल आते रहते हैं, क्रेडिट कार्ड वालों के कॉल आते रहते हैं,
इससे बहुत बच जाते हैं भाई, यहाँ पे दिख जाता है कि ये फ्रॉड कॉल है या यू नो मार्केटिंग कॉल है, तो वो नहीं उठाते हैं उसको देखकर। गाने सुनने हो तो बदल सकते हैं, हालांकि वन शुड नॉट यू नो चेंज इट वाइल राइडिंग, बट एक धीमी अगर आपकी स्पीड है तो आप अपने लेफ्ट हैंड साइड पे रह के फिर भी थोड़ा बहुत पिकल कर सकते हैं। नहीं है तो बेटर है कि आप कहीं दो मिनट के लिए रुक जाए। सबसे बेस्ट पार्ट है कि आपको हेलमेट उतारना नहीं पड़ेगा, फ़ोन निकालना नहीं पड़ेगा, आप यहीं से अपने चॉइस के गाने प्ले कर सकते हैं, यहीं से नेविगेशन सर्च कर सकते हैं, आपको मोबाइल निकालने की ज़रूरत नहीं है। तो वो एक बहुत ही बढ़िया चीज़ लगी मुझे, एंड बेस्ट ऑफ ऑल नेविगेशन, इट्स राइट देयर। ये देखा आपने, ये वाइब्रेशन का नतीजा है, जब वाइब्रेशन अच्छे खासे हुए थे ना, देखो ये बेशर्म, इसको कब से मैं टाइट कर रहा हूँ बट बहुत बेशर्मी की हद हो गई है इसकी। अब इसको कहीं जाके तरीके से इसको टाइट करना पड़ेगा, कोई भी झटका आता है ना पागलों की तरह लहराया जाता है। एनीवे, तो सो फार द राइड इज़ गोइंग ग्रेट, मज़ा आ रहा है, बहुत महीनों के बाद एक लॉन्ग राइड पे निकला हूँ। ये राइड मेरे ख्याल से मेरी 6000 के आसपास होनी चाहिए, 5800 और 6000 किलोमीटर्स। और हाँ, मेरे को अभी मेरी बाइक चल चुकी है 3500 किलोमीटर, मैं 5-5500 किलोमीटर पे मेरे ख्याल से ऑन माय वे बैक दिल्ली मैं इसको सर्विस करवा लूँगा। जर्नी मज़ेदार चल रही है, चलती रहनी भी चाहिए, मेरी भी आपकी भी। आप लोग क्या कर रहे हैं वो बताइए आजकल। मेरा तो स्पीति राइड का ट्रिप चल रहा है, तो क्या क्या देखना चाहते हैं कमेंट करके बताइए, कुछ मिस आउट कर रहा हूँ तो उसको भी इंक्लूड करूँगा। और कोई भी क्वेरी हो, जैसा कि मैंने आपसे पहले भी पूछा था इस बाइक के बारे में, लगेज सिस्टम के बारे में, या किसी भी यू नो जर्नी से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो आपको, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, जवाब ज़रूर मिलेगा। एक भैया जी मिले हैं, उनको फ़ोटो चाहिए, ले लीजिए बिल्कुल। थैंक यू। ये चैनल है मेरा, कौन सा, किसमें, ये वीडियो में आओगे? आओ। ये मेरा चैनल है, ठीक है, वो सर का देख के चैनल। हाँ सर का भी है, जाके देखो, मिलो, फोटो खिंचवा लो सर के साथ। सागर, सागर क्या नाम है गांव का? गवाड़ी। गवाड़ी, बढ़िया। बारिश नहीं हुआ ना अभी? चलो जी मिलते हैं, धन्यवाद, बाय 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 बाय, पक्का चलो। तो भैया खड़े खड़े दो चैनल सब्सक्राइब करवा लिए, नहीं दो चैनल नहीं, दो लोगों को चैनल सब्सक्राइब करवा लिया, बौखला गया हूँ मैं भाई। चलिए मिलते हैं आगे। ओके गाइस, तो इंदौर ऑलमोस्ट हम लोग पहुंचने वाले हैं, टाइम हो रहा है 6:30 और वेदर ठीक ठाक है, बढ़िया है, ज़्यादा गर्मी नहीं है, ज़्यादा ह्यूमिड नहीं है। इंदौर से पहले थोड़ा सा ह्यूमिड फील हो रहा था, बट ये घाट पे आने के बाद थोड़ा सा ह्यूमिडिटी कम हुई है। ये इगतपुरी वाला एरिया लगता है थोड़ा बहुत, जब आप नासिक से मुंबई जाते हैं तो वो घाट सेक्शन क्रॉस करते हैं, ये कुछ उस तरीके का दिखता है।
स्पीड ब्रेकर तो नहीं बट रफ पैच आ गया है। अरे ऐसे रास्तों में अगर हिमालयन नहीं चलेगी तो फिर कैसे चलेगा काम। ओके तो लेटेस्ट अपडेट यह है कि हम लोगों ने फिर से रेन गियर पहन लिया है क्योंकि हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई है और आगे लग रहा है कि बारिश होने वाली है। तो हाँ क्या कह रहा था, हाँ गोप्रो जल्दी से वापस अंदर रखना पड़ेगा क्योंकि ज़्यादा देर इसको बारिश में नहीं मैं बाहर रख सकता हूँ। तो देखते हैं आगे से राइट टर्न लेना है जिससे हम NH 52 पे चले जाएंगे और वो एक्चुअली बाईपास है इंदौर का और वहीं पे हम लोगों को होटल तलाशने हैं। अभी तक हम लोगों ने बुक नहीं किया है बिकॉज़ यूजली होता क्या है ऐप में दिखता है कुछ और है और होता कुछ और है। ओके गाइस तो इस समय टाइम हो रहा है 8:45, हम लोग इंदौर करीबन 7-7:30 के आसपास एंटर कर गए थे। बारिश हल्की हल्की थ्रू आउट द मतलब राइड थी, जैसा कि हम लोग मैंने आपको बताया कि जब हमने रेन गियर पहना था तो तब से जो बारिश शुरू हुई है जब तक हम सिटी में एंटर किए हैं तब तक अच्छी खासी बारिश थी। लकीली टूवर्ड्स उज्जैन मुझे एक होटल दिख गया था ऑन द साइड ऑफ द रोड गुरु कृपा, जहाँ पे हम लोगों ने रूम लिया है। रूम की हालत मत ही देखिए तो अच्छी बेहतर है बिकॉज बुरा हाल है। मंगेश सर ने डिनर स्टार्ट कर दिया है, मैच चल रहा है, मैच भी देखेंगे, आज फाइनल है और डिनर आ गया है हमारा। जगह बहुत कम है, रूम हमें बिल्कुल ठीक ठाक मिल गया है, एसी है, गर्म पानी है, दैट्स व्हाट ऑल वी नीडेड। तो डिनर शुरू करते हैं और होप आप लोगों को आज का ये राइड अच्छा लगा होगा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कीजिए, डेली अपडेट्स मैं वहाँ देता रहूँगा और मिलता हूँ नेक्स्ट डे कल सुबह दोबारा राइड टू जयपुर। तो प्लीज़ कम बैक सून एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।